केंद्र के कामगार और किसान के खिलाफ नियमों में बदलाव के विरोध में देश के प्रमुख 11 केंद्रीय संगठनों ने बुधवार को देश में बंद का ऐलान किया, जहां नवी मुंबई में कोंकण भवन कार्यालय में ये बंद का असर दिखा। कामगार कायदों के प्रभाव को अमल में लाना, कायदों में कामगार विरोधी बदलाव को रद्द करना, कम से कम वेतन 15,000 करना, समान काम समान वेतन, बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करें, इस तरह की अनेक मांगों के लिए देश में कामगार संगठनों ने बंद का ऐलान किया। देशभरातील 11 कामगार संघटनांनी मिळून आम्ही देशव्यापी एक लाक्षणिक संप आम्ही आज पुकारलेला आहे। वास्तविक पाहता महागाई भत्ता 50% वर गेल्यानंतर खरं म्हणजे तो वेतनामध्ये समाविष्ट झाला पाहिजे, तो समाविष्ट झालेला नाही, त्यामुळं आम्हाला आज संप करावा लागत आहे। आमच्या 2005 नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांची अंशदायी पेन्शन योजना जी आहे ती योजना आम्ही रद्द करावी म्हणून सर्वांना पेन्शन मिळावं अशी आमची एक मागणी आहे। इस तरह कामगार संघटनों ने देश बंद में हिस्सा लेके केंद्र के खिलाफ नाराजगी जताई। नवी मुंबई आवाज ब्यूरो रिपोर्ट।